हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखर सिंह और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी हम में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा एक नया कन्वर्जन लोको है, जिसको अभी इंडियन रेलवेज ने हाल ही में लॉन्च किया है। और इस लोकोमोटिव का नाम उन्होंने वैग 11 के नाम से रखा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने अभी देखा था कि हाल ही में एक नए लॉन्च लोकोमोटिव वैग C3 के बारे में आप लोगों ने सुनाई है, जो कि एक कन्वर्जन लोको है, जिसमें डीजल लोकोमोटिव WDM3A और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAM4 को यूज़ करके एक नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया गया है। इस लोकोमोटिव में हमारा जो फ्रंट बॉडी है उसको WDM3A से लिया गया था, और जो हमारा बैक बॉडी है और जो मिडिल सेक्शन है उसको हम लोग WAM4 से लेते हैं। और ये लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव्स RDSO और BHEL के कंबाइंड कोलैबोरेशन से बनाया गया है, और ये अभी तक की हमारे देश की सबसे बड़ी सफलता रही है डीजल लोकोमोटिव वर्क से और इंडियन रेलवे से। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा नया कन्वर्जन लोको फिर से हमारे देश में आ रहा है। दोस्तों हाँ, अब DLW और RDSO ने फिर से एक नए कन्वर्जन लोको पे काम हाल ही में शुरू कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने वैग 11 रखा है। ये भी आपका एक नया कन्वर्जन लोको है, जिसको फिर से दो कंबाइंड लोको से बनाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके इस लोकोमोटिव के फुल स्पेसिफिकेशंस और कैसे इसके मॉडल है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारे एक पुराने लोकोमोटिव WDM3A के बॉडी फ्रेम को यूज़ करके एक नए लोकोमोटिव WAG C3 में कन्वर्ट किया गया है, और कुछ फिटिंग्स के लिए एक पुराने लोकोमोटिव WAM4 को भी यूज़ किया गया है। इस लोकोमोटिव की सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अभी अपनी सर्विस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC पे देने के लिए तैयार है। अब इस सफलता के बाद RDSO और DLW के जॉइंट मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि एक दूसरे डीजल लोकोमोटिव WDG43 के बॉडी को यूज़ करके एक नए कन्वर्जन लोकोमोटिव में बनाया जाए, और अब इसके प्लान को RDSO से फाइनलाइज करने के बाद DLW के फैक्ट्री में इसके काम को शुरू भी कर दिया गया है। इस लोकोमोटिव के अंडर फ्रेम को WDG4 से लिया जाएगा, जिसमें इसका बॉडी फ्रेम WAG7 का रहेगा। इस लोकोमोटिव की पूरी फिटिंग्स और मशीन पार्ट्स WDG4 की ही रहेगी, जिसपे WAP7 का कवर रहेगा, ताकि पेंटोग्राफ और बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी लगाया जा सके। कहा यह जाता है कि ये लोकोमोटिव WAP7 का मॉडिफाइड वर्जन रहेगा, जिसमें WDG4 के पार्ट्स को लगाया जाएगा। इस लोकोमोटिव के फ्रंट लुक में आप WDG4, जिसमें कि इसका कैबिन है, आप इसको देख पाएंगे, और बाकी के जो इसके पिछले पार्ट और जो बीच के पार्ट रहेंगे वो WAP7 के फ्रेम ही रहेंगे। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसके जो पिछले पार्ट्स हैं वो WAG7 के हैं, और जो बाकी के आगे के लुक है वो WDG4 के ही हैं। और जैसा अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो इसका ये आउटर फ्रेम है वो WAP7 का ही है, मतलब ये जो टोटल आप वेल्डिंग पार्ट्स या आप अंडर फ्रेम देख रहे हैं ये WAP7 के रखे हैं, और जो इसके अंदर जो बेसिकली जो फिटिंग्स होंगे, जो मोटर्स होंगे या जो ट्रैक्शन मोटर्स और बाकी के जो बॉगी पार्ट्स होंगे वो WDG4 को ही रखा जाएगा, क्योंकि हमारा ये लोकोमोटिव बेसिकली फ्रेट ट्रेन्स या माल गाड़ियों के रहेगा। तो अगर इसमें हम लोग WDG4 के पार्ट लगाएंगे तो इसको उतनी सफिशिएंट हॉलिंग कैपेसिटी आराम से इसको यहाँ पे मिल जाएगी। ये लोकोमोटिव आपको ट्विन सेक्शन, मतलब दो सेक्शन में मिलेगा, जैसे कि आपने वैग C3 में देखा है कि वहाँ पे दो अलग अलग सेक्शंस को जोड़ के एक कंप्लीट लोकोमोटिव बनाया जाएगा। तो ये जो आपका लोकोमोटिव रहेगा ये भी आपका सेम टू सेम WAC C3 की तरह ही ट्विन सेक्शन रहेगा। इस लोकोमोटिव में जो एक सेक्शन रहेगा उसकी हॉर्स पावर 5500 रहेगी, और जो टोटल इसको 11000 हॉर्स पावर का जनरेट करेगी। ये लोकोमोटिव
को बेसिकली मालगाड़ियाँ फ्रेट ट्रेन में खींचने आएगा, जो कि इसको आराम से 100 की रफ्तार पे ले जा सकती है। और इसको हम लोग अभी प्रपोज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC में यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। कहा यह जाता है कि ये लोकोमोटिव फिर से इंडियन रेलवेज और DLW की एक बड़ी सफलता रहेगी और इस लोकोमोटिव को 2020 तक लॉन्च करने का प्लान है। तो दोस्तों, WAG-11 लोकोमोटिव हमारे देश और इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता का मिसाल रहेगा और पूरे देश को इस लोकोमोटिव का बेसब्री से जल्द इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल स्टार स्टडी हब को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स है इस WAG-11 लोकोमोटिव को लेते हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।